हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। ईज माय ट्रिप के शेयर में आज हम लोगों को एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आखिर इस गिरावट के पीछे का असली वजह क्या है? क्या आपको इस गिरावट से डरना चाहिए या फिर ये आपके बेनिफिट के लिए है? सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ईज माई ट्रिप शेयर के ऊपर। अगर बात करेंगे आज इस स्टॉक में हम लोगों को एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। क्योंकि गिरावट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक, अगर इससे पहले बात करेंगे तो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 390 के रेंज में, और अभी करंटली आप देखेंगे 57 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो आखिर इस गिरावट के पीछे का असली वजह क्या है? इतना बड़ा एडजस्टमेंट हम लोगों को क्यों देखने को मिला? तो यहाँ पे क्लियरली अगर आप लोग इस चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको क्लियरली पता होगा, जो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो बना के अपडेट किया था। तो इस स्टॉक में मंडे के सेशन में आपको बोनस भी मिलने वाला है, बोनस मिलने के बाद आपको स्प्लिट मिलने वाला है। यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम लोग बात करेंगे तो आज है 21 नवंबर, और यहाँ पे देखेंगे तो पहले आपको 3:1 के रेशियो में बोनस मिला। इसका मतलब आपके पास अगर एक शेयर था तो आपको 3 और एक्स्ट्रा शेयर दिया गया, जिससे कि आपके पास हो गए 4 शेयर, और फिर उस 4 शेयर को स्प्लिट किया गया 1:1 में, इसकी वजह से जो है आपको यहां पे फेस वैल्यू 2:1 हुआ है। इसका मतलब आपके पास अगर 4 शेयर यहाँ पे हुए तो यहाँ पे जो है आपको वापस से उसको कन्वर्ट कर दिया गया अगेन 4 एक्स्ट्रा में। तो इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक में आज आपको एडजस्टेड प्राइस देखने को मिला, और उसके बाद क्लियरली अगर देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग हुआ, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद आज वीक का पहला डे है। इसी वजह से जो है आप लोग यहाँ पे वीकली चार्ट देख के कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे वीक का पहला डे है, गैप अप ओपनिंग हुआ, और उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक में हम लोगों को अपर सर्किट लगा हुआ दिख रहा है। करेंटली अगर बात करेंगे तो स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है। इससे पहले भी जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था तो क्लियरली आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बताया था जब तक इस रेंज के ऊपर आपको सस्टेन नहीं करता है, एक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और आज अगर देखेंगे तो इस रेंज के ऊपर क्लियरली हम लोगों को सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। वापस से इस स्टॉक में हम लोगों को एक बड़ा तेजी बनता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक में जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा आने वाले समय में हम लोगों को यहाँ पर बन सकता है। आपके पास अगर स्टॉक है कंटिन्यूसली आप होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आप प्रेस पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो फिर जो है आप वेट कीजिए 60 के लेवल के ऊपर। जैसे ही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा आप यहां पे पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, साइड आपका स्टॉप लॉस जो है वो 44 के लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, और कंटिन्यूसली आप अपने प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।